कि पापा एस फार हो गए थे 2009 में। ओके। तो मम्मी काम करती हैं, कंपनी में काम करती हैं मम्मी, तो वही मतलब फाइनेंशियली वही खर्च चलती सारा हमारा। हमने पढ़ाई की है, मेरी स्कूलिंग पढ़ाई मोदी नगर के ही डॉक्टर के एन मोदी कॉलेज से हुई है। ओके। मैंने सर एग्जाम काफी क्रैक करे हैं लेकिन फाइनली रह गया। तो ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई पिछली बार सर मैं रह गया था सीजन में भी और सीरियल में रह गया था वहाँ पे, सर इस बार सीजन में 5 नंबर से रह गया। सर मैंने भी बस एक बार ही पढ़ा था दोबारा भी कैसे। नमस्कार भाई आप सभी लोगों को, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास टॉपर्स मिलने के लिए आ रहे हैं और हम उनके साथ कुछ महत्वपूर्ण बातचीत आपके सामने कर लेते हैं। तो आज हमारे साथ हैं गाज़ियाबाद से ऋतिक, जो मेरे ही होम टाउन से हैं, और मुझे मौका मिला है इनसे कुछ बातचीत करने का। ये मेरे GS के स्टूडेंट रहे हैं और इन्होंने CHSL में अभी हाल ही में सेलेक्शन लिया है, टॉपर्स में से एक हैं। इन्होंने 986 रैंक प्राप्त की है अपनी मेहनत से। तो ऋतिक भाई बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच सर, और करियर विल पर आने के लिए और हमसे बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने यहाँ तक बुलाया इसके लिए। नहीं, आप डिजर्व करते हैं भाई, आप मेहनत से आपने सिलेक्शन लिया है तो आप डिजर्व करते हैं हमारे साथ यहाँ पर आकर बातचीत करना। मुझे सबसे पहले अपने और अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम ऋतिक है और मैं मोदीनगर शहर के बकरवा गाँव से बिलोंग करता हूँ, जिला गाजियाबाद। मेरे घर में फैमिली नंबर 3 है सर, क्योंकि पापा एक्सपायर हो गए थे 2009 में। ओके। तो मम्मी काम करती हैं, कंपनी में काम करती हैं मम्मी, तो वही मतलब फाइनेंशियली वही खर्च चलती सारा हमारा। हमने पढ़ाई की है, मेरी स्कूलिंग पढ़ाई मोदी नगर के ही डॉक्टर के एन मोदी कॉलेज से हुई है। ओके। और सर मैंने BSc किया है, वो भी उसके पास में एक कॉलेज है, मैं PG कॉलेज CS यूनिवर्सिटी से करा है। फिर सर 2020 में मैंने तैयारी शुरू करी थी। ओके। मैंने यहाँ से बैच लिए थे, तो मैंने सर एग्ज़ाम काफ़ी क्रैक करे हैं लेकिन फाइनली रह गया। ओके। कुछ एग्ज़ाम्स में मेरे डिफेंस वाले क्रैक हुए थे लेकिन मैं वहाँ गया नहीं, मतलब उनको जाना नहीं था वहाँ पे। पिछली बार सर मैं रह गया था CGL में भी और CSL में भी रह गया था वहाँ पे, सर इस बार CGL में 5 नंबर से रह गया। ओके। और लेकिन वो CSL में हो गया सर। तो आप पूरी उम्मीद कर रहे होंगे कि इस बार जो CGL आ रहा है 2024 में, प्रिपरेशन पूरी चल रही है, है ना? तो ऐसा तो नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई, है ना? बिल्कुल ऐसा मत रखना। आप जितने सीरियसली आपने अभी तक तैयारी की है, इस साल भी जो आप SSC का पेपर दोगे उसको उसी सीरियसनेस के साथ आपको देना है। GS में आप हमारे साथ कैसे जुड़े करियर विल से? सर हमने बैच लिया था, तो ये मेरा दोस्त, मतलब दोस्त है मेरा, साथ में बैच लिया था हमने कंबाइंड। तो सर वहाँ से मैंने GS तैयार करी थी। अच्छा। हाँ, आपसे पढ़ा था, मैं पॉलिटी पढ़ा था, हिस्ट्री पढ़ा था आपसे, और सर कुछ मैंने यूट्यूब के सेशन करे थे आपसे ही। ओके। अभी रिविजन क्लास चली थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वहाँ से मतलब मैंने किया था, वो बहुत हेल्पफुल रही थी। तो सर GS के लिए मैंने ये करा, फिर मैंने मॉक टेस्ट दिए, तो सर वहाँ से क्वेश्चन मेरे लगे, वहाँ से कुछ एनालाइज भी करा मैंने, नोट डाउन करा, उसके लिए मैंने कॉपी नोट करी थी। तो सर GS में धीरे धीरे स्कोर मेरा इंप्रूव होता गया। ओके। आपके नोट्स हैं मेरे पास, उनको मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है क्वेश्चन को, आपने बताया भी था कि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, वो चीज़ मैंने स्टार मार्क करी थी कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकती है, सर आए भी हैं। सर GS के लिए मेरा यही रहा था। ओके। तो आप बाकी जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, तो आप उनको क्या टिप देना चाहोगे कि भाई साहब GS में आप ऐसा कर लो, ये रामबाण इलाज है और GS के क्वेश्चन आप कर डालोगे सारे के सारे? सर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि GS में सर ज़्यादा नहीं पढ़ना हमको, ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ना है। बच्चे गलती करते हैं कि बहुत सारा पढ़ेंगे और उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आपके जो नोट्स हैं वो बहुत ही मतलब लिमिटेड है, ज़्यादा वास्ट भी नहीं है कि मतलब एकदम आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। तो सर नोट्स ऐसा होना चाहिए जो रिवाइज हो सके। बिल्कुल ठीक है। जैसे कि आपके पॉलिटिक्स हिस्ट्री के नोट्स हैं वो मतलब बिल्कुल आप रिवाइज कर सकते हो बहुत इजीली। बच्चे काम करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं लेकिन मॉक नहीं देते फिर। बिल्कुल, क्योंकि सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए अपने लिए। हम भी हमेशा ये कहते हैं कि भाई GS में आप बहुत ज्यादा पढ़ने के पीछे मत भागिए, लेकिन आप सही चीज पढ़िए लेकिन बार बार रिवाइज करिए। हाँ, रिवाइज उसको करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने बहुत जरूरी है। मतलब कोई PYQ बुक लीजिए रेफरेंस के लिए, बिल्कुल, और उससे क्वेश्चन लगाइए, और ऐसे नहीं कि एक बार लगाने हैं। आप क्वेश्चन लगाओगे, कुछ क्वेश्चन वहाँ पटकोगे, उनको मार्क कीजिए, मार्क करोगे फिर पढ़ोगे, फिर मार्क वाले पढ़ना, तो इससे आपके जो टफ क्वेश्चन है वो भी तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी थी। और जैसा कि आपने देखा कि ऋतिक ने आपको बताया कि आप ये स्ट्रेटेजी अगर आप GS में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली इसका फायदा आपको मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन नॉर्मली क्या करते हैं ना, स्टूडेंट्स नई नई चीज़ों के पीछे भागते हैं, नई नई चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी पढ़ा होता है उसको रिवाइज नहीं करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। नोट्स बनाएंगे लेकिन फिर भी नई नई चीजें जानने के पीछे भागेंगे। आज के टाइम में यूट्यूब पे इतने सारे PDF, इतनी सारी क्लास हो रही है ना कि बच्चा कंफ्यूज है। हाँ, बिल्कुल है। यही नहीं पता करना क्या है। बिल्कुल। तो सर पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमें इतना दायरा पढ़ना है और उसी को ही बार बार पढ़ना है। और सबसे पहली बात, जहाँ से पढ़ रहे हो आप वहाँ होना चाहिए कॉन्फिडेंस, की विश्वास होना चाहिए। बिल्कुल, जहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हो या आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो,
तो एटलीस्ट आपके पास ये फेथ होना चाहिए, ये भरोसा होना चाहिए कि भाई आपको सही चीजें करवाई जा रही हैं, ठीक है। और इन चीजों को अगर आप ठीक से बार बार रिवाइज करोगे, बार बार उसको रिपीट करोगे, तो आपको डेफिनेटली उसका फल मिलेगा। सर मैंने भी बस एक बारी पढ़ा था ऑडिट हिस्ट्री, दोबारा कोई बैच नहीं लिया। बिल्कुल, आपने मतलब रिवीजन करना ज्यादा बेहतर समझा, ज्यादा से ज्यादा आपने मॉक लगाने की कोशिश लगाई। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहा कि मैंने हिस्ट्री यहां से पढ़ ली फिर हिस्ट्री वहां से पढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है और हमें फॉलो भी यही करनी चाहिए जीएस में तो खासकर, क्योंकि जीएस इतना वास्ट हो जाता है कि आप उसको चाहो कि हम पूरा कवर कर लेंगे तो वो कभी नहीं हो पाएगा चाहे आप किसी भी लेवल पर तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल सर, पढ़ने के लिए बहुत सारा है। बिल्कुल यही बात है। कहाँ तक पढ़ेंगे सर? तो ऋतिक भाई बहुत बहुत हमें अच्छा लगा कि आप हमसे मिलने के लिए आए, और हम चाहते हैं कि 2024 में जब आप एसएससी का पेपर दें सीजीएल का, तो आप उसमें इससे भी बेहतर रैंक लेकर आए, ठीक है, उसमें भी आप सिलेक्शन लें। और अगली बार जब हमारी मुलाकात हो यहीं पर इसी जगह पर, तो हम चाहते हैं कि आप इस बार एसएससी सीजीएल की टॉप रैंकर बने। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमारे पूरे करियर विल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर।